31 मई 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, कोई बिरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते हैं और ये साप्ताहिक पाठ जो करते हैं, गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, ये 7 रोज की बात भी अभी की है। 7 दिन आपको भट्टी में चढ़ना पड़े और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने पर सारा किचरा निकल जाएगा। इसको भट्टी कहते हैं, जैसे भट्टी में सोना गलाया जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान की, वो गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। देही अभिमानी बनना पड़े, अपन को आत्मा समझना पड़े। सात रोज का कोर्स उठाने वाले बहुत थोड़े हैं। ज्ञान का बाण तो कोई को सेकंड में भी लग सकता है, देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं। लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं और गए भी हैं। वो कहेंगे कि हम रेस करके बाबा से पूरा वर्षा लेंगे और कोई तो पुराणों से तीखे चले भी जाते, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार माल मिलता है, प्रदर्शनी आदि पर समझाने में कितना समय जाया जाता है, सहज तो होता ही है। खुद नहीं समझा सको तो कोई दूसरी बहन को बुलाओ, रोज आकर के कथा करके जावे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य था, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग में लक्ष्मीनारायण का राज्य था। वो लक्ष्मीनारायण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। ये लक्ष्मीनारायण का राज्य किसने स्थापन किया? उन्होंने नारायण को नर नारायण किसने बनाया? नर मनुष्य को कहा जाता है। गीता में तो लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी, तू ऐसी करनी करे जो नारी से नारायणी बने। ये ज्ञान गीता में दिया हुआ है, भगवत गीता गाई हुई है। भगवान ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बना सकता है। मनुष्यों की पढ़ाइयां तो वकील बनावेंगी, डॉक्टर बनावेंगी, इंजीनियर बनावेंगी,
मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकता। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है, और मनुष्य नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। भगवान आकर के गिरोहों को ऊंचा उठाता है। सतयुग में होते हैं देवताएं और कलयुग में होते हैं राक्षस। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है, सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। ये पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाने वाला कौन? पतितों को पावन कौन बनाएगा? सिवाय भगवान को कोई नहीं बना सकता। परंतु भगवान कौन है? सर्वव्यापी कह करके रोला डाल दिया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है। और जिस एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, पहले उसी को अपने संग के रंग से पति से पावन बनाता है। नंबर बार और आत्माएं पति से पावन बनती है। उन लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष चलता है। त्रेता शुरू होता है तो राम राज्य शुरू हो जाता है, वो भी 1250 वर्ष। इस तरह भगवान का स्थापन किया हुआ राज्य 2500 साल चलता है। वो स्वर्ग का राज्य है। नरक को स्वर्ग बनाना भगवान का काम है। जैसे दिन दिन के बाद रात होती है, ऐसे ही स्वर्ग बदल करके नरक बनता है। एक दम नरक नहीं बन जाता है, धीरे धीरे मनुष्य की कलाएं कम होती है। सुख भोगने से आत्मा की पावर कम होती जाती है। आत्मा जैसे कि एक बैटरी है जो भ्रकुटी के मध्य में रखी हुई है, एक सितारे की मिसल। इतनी छोटी सी बैटरी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ज्यों ज्यों सुख भोगते जाते हैं, त्यों त्यों आत्मिक स्थिति कम होती जाती है। देवान आने से दुख बढ़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता है। अगर अपन को आत्मा ही समझें, पक्की प्रैक्टिस करें, तो काम विकार भी तंग नहीं कर सकता। अपन को देह समझते हैं तो देह भान आने के कारण काम विकार आता है। देह समझने से क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। अगर अपन को आत्मा समझे, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें, तो पांचों विकारों की प्रवेशता नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिस अभी परमात्मा बाप आकर के कराते हैं। कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है। सिर्फ शास्त्रों में लिख दिया है अणु अणियांसम, आत्मा अणु रूप है, लेकिन फिर कह देते हैं कि मन जड़ है। अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है।
मनुष्य मरता है तो ये थोड़े ही कहा जाता है कि उसमें मन बुद्धि रह गई। मन बुद्धि की पावर निकल गई माने आत्मा निकल गई। ये मन बुद्धि की पावर में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों शक्तियों का जो समुच्चय है वो ही आत्मा है। ये आत्मा शरीर से अलग चीज है। मृत्यु होती है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। शरीर में से क्या निकल गया? हाथ पांव नाक आंख कान सब तो मौजूद रहते हैं, फिर वो चलायमान क्यों नहीं होते? जैसे मोटर होती है उसमें से बैटरी निकाल दी जाए तो मोटर चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी मोटर है, इसमें आत्मा रूपी बैटरी है। वो आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है, अनादि है, सिर्फ उसकी शक्ति कम होती है। जब उसकी पावर ऊंची हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा शिव रूपी बैटरी वो आकर के चार्ज करता है। और एक बैटरी को चार्ज नहीं करता है, नंबरवार मनुष्य मात्र की सब की बैटरी चार्ज करके जाता है। चार्ज कैसे होती है? याद की स्मृति रूपी डोरी लगाने से आत्मा चार्ज होती है। और याद कब आती है? याद उसी की आती है जिसको आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। देखी हुई चीज याद जरूर आती है। तो भगवान भी सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके दृष्टि से सृष्टि सुधारते हैं। ऐसे नहीं, और इंद्रियों का संग का रंग नहीं होता, वो भी पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। इसलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। जिनका पूर्व जन्मों का जैसा जैसा हिसाब किताब है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माओं के साथ वैसा वैसा याद की तीक्ष्णता वो आत्माएं पकड़ती है। कोई की तीखी याद होती है, कोई की मध्यम याद होती है, कोई की धीमी याद होती है, कोई को बहुत परिश्रम करने पर भी याद नहीं आता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भगवान बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं
और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली राम कृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा काम कराते हैं, माता पिता का पार्ट बजाते हैं। तो कोई आत्माएं कम कनेक्शन में आती है, कोई आत्माएं ज्यादा कनेक्शन में आती है। जो ज्यादा कनेक्शन में आती है उनको ऑटोमेटिक जास्ती याद आता है, कम कनेक्शन में आने वाली उनको कम याद आता है। हिसाब किताब बना हुआ है अनादि अविनाशी, इसलिए कहा जाता है आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। हर आत्मा उसमें जैसे कि अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड होता है। पुराने जमाने में तवे के मिसल रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन पर रख करके बजाए जाते थे। सुई समय की जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे वो रिकॉर्ड बजता जाता है। तो ये षष्ठी रूपी ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा है। उस ड्रामा में जैसे जैसे समय की सुई घूमती जाती है आत्मा अनेक जन्मों में अपना अपना पार्ट बजाती जाती है। ढाई हजार साल तक आत्माएं सुख का पार्ट बजाती है और उसके बाद 2500 साल तक आत्माएं नंबर वार दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाती है। सुख की षष्ठी को दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग की षष्ठी को रात कहा जाता है। यहाँ सब अज्ञान अंधकार में भटकते हैं, अपने को देह समझते हैं। देह रूपी मिट्टी समझने के कारण आत्मा देह अभिमान में डूबती चली जाती है। देवताओं को अपनी आत्मा की स्मृति रहती है सत्ययुग त्रेता में। द्वापर शुरू होता है तो आत्मिक विस्मृति हो जाती है। क्यों हो जाती है विस्मृति? क्योंकि द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है। सत्ययुग त्रेता है अद्वैत युग, वहां दो नहीं होते, एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक वंश होता है, एक भाषा होती है सारी दुनिया में। इसलिए सुख ही सुख होता है, उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। फिर समय पलटा खाता है, 2500 वर्ष के बाद द्वापर शुरू होता है। ये द्वैत फैलाने वाला कौन? द्वैतवादी दुनिया बनाने का निमित्त कौन बनता है? राम आते हैं तो अद्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। सत्ययुग त्रेता की देवता ही दुनिया का सृजन करते हैं और रावण आते हैं तो द्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। अब ये रावण कौन?
सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, द्वापर कलयुग में अनेक धर्म होते हैं, तो एकता में सुख होगा या अनेकता में सुख होगा? एकता में सुख होता है, अनेकता में दुख होता है। द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आकर के अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं, अलग अलग मतें बन जाती हैं, अलग अलग कुल बन जाते हैं, अलग अलग राज्य बन जाते हैं और सब आपस में टकराते हैं। उनके टकराने से कलह, कलेश युगी दुनिया, कलयुग का निर्माण हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं। तुंडे तुंडे मतृ भिन्ना, एक ही परिवार में माँ की मत बाप से नहीं मिलती, बाप की मत बच्चे से नहीं मिलती, बच्चों की मत बच्चियों से नहीं मिलती, परिवार परिवार में विघटन होता है। अब ऐसी विघटित हुई दुनिया को जोड़ने वाला कौन है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, दुनिया विघटित होती आई है, जुड़ने का नाम निशान नहीं, दिल टूटते चले जाते हैं, जुड़ने का नाम नहीं। आखिरी इन दिलों को जोड़ने वाला कौन? दिलावर बाप है, सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शिव का लिंग बनाया जाता है, लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाते, क्योंकि वो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप है। फिर जब उसको हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, फिर वो सृष्टि का कल्याण कैसे करता है? गीता में एक शब्द भी आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करता हूं, प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करती है, वो तो भूत प्रेत है, ये तो भगवान है, ये भी प्रवेश कर सकता है। इसे सृष्टि रूपी रंगमंच की मनुष्य आत्माओं में से जो भी पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली राम कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करके एक का नाम देता है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, तो भगवान ने सृष्टि रूपी रंगमंच की माता का पार्ट बजाता है, सबको प्यार ही प्यार देता है। कोई अनुभव बच्चा नहीं करता कि माँ ने हमें टेढ़ी नजर से कभी देखा, कोई कह नहीं सकता। आज देश देश में, शहर शहर में, गांव गांव में जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान बाप ब्रह्मा के तन में आकर के माँ के रूप में पालना करता है, माँ के रूप में प्यार देता है, बच्चों को ज्ञान का दूध पिलाता है, बच्चे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं, कोई बच्चे जहीन होते हैं तो पढ़ लिख करके ऊंचा पद पाते हैं, कोई गल बुद्धि होते हैं, कोई भगवान की बेसिक नॉलेज पढ़ करके ही रह जाते हैं
और कोई भगवान की पढ़ाई हुई ऊंची पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जो ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वो नर से डायरेक्ट नारायण इसी जन्म में बन जाते हैं। भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाता। जैसे गुरु लोग कहते हैं यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, अगले किसी जन्म में पुरुषार्थ करते करते मनुष्य से देवता बन जावेंगे। ऐसी अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो ये थोड़ा ही कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई पढ़ो अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना, यहाँ पढ़ाई पढ़ना है अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना। फिर कौन पढ़ाई पढ़ेगा? किसी को विश्वास ही नहीं होता, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं कि बच्चे मैं जो तुम्हें रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर अगर तुम चलेंगे, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को सीखेंगे, दूसरों को सिखावेंगे, अपना जीवन बनावेंगे, दूसरों का जीवन बनावेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम इसी जन्म में नर से नारायण जैसे देवता और नारी से लक्ष्मी जैसी देवी बन जावेंगे। जो देवी देवता बनेंगे उनकी दुनिया बरकरार रहेगी, और बाकी जो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको इस दुनिया में जो विनाश बरपा होना है उसमें अपने शरीर को जबरन छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एटम बम बन चुके हैं। आज से 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था, क्योंकि 70 साल पहले भगवान ही नहीं आया हुआ था। 70 साल के अंदर ही ये एटमिक एनर्जी भयंकर बारूद तैयार हो गई। इस एटमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा उनको तो जबरन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते तो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं, कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं। जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है, और जो अनेक जन्मों में दुख भोगने वाली आत्माएं हैं वो कलयुग के अंत में आकर के राक्षसी जन्म लेती है। एटम बम जैसी घातक चीजों का निर्माण करने में अपनी बुद्धि लगाती है। कोई तो बनाने वाले होते हैं, कोई बिगाड़ने वाले होते हैं। मकान को बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है या मकान को तोड़ने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है?
बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है। भगवान बाप भी षष्ठी रूपी मकान का मालिक है, वो भी षष्ठी पर आता है तो फ्री छोड़ देता है, चाहे मकान बनाने का काम करो और चाहे बिगाड़ने का काम करो। बनाने का काम वो ही कर सकेंगे जो मेरी मत पर चलेंगे, और बिगाड़ने का काम वो करेंगे जो मनुष्य की मतों पर चलेंगे। अनेक देहधारी मनुष्य गुरु हैं, उन मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते चलते 2500 वर्ष में सारी दुनिया गड्ढे में चली गई, सब दुखी हो गए। जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि मनुष्य गुरुओं से इस सृष्टि का पतन होता है, और एक भगवान की श्रीमत से सारी सृष्टि का उत्थान होता है। भगवान आते हैं तो गति सदगति का रास्ता बताते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा की नंबरवार गति और सदगति होती है। पहले गति होती है बुद्धि की, मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील बन जाती है। कैसे बनती है? देह समझने से मिट्टी याद आवेगी, अपने को देह के रूप में देखेंगे, संबंधियों को देह के रूप में देखेंगे तो मिट्टी को याद करने से बुद्धि मिट्टी बनती है, और अपन को ज्योति बिंदु आत्मा स्टार समझने से आत्मा चैतन्य बनेगी, रोशनी वाली बन जाएगी, सूक्ष्म बन जाएगी, और सूक्ष्म आत्मा ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कर सकेगी। इसलिए बाप कहते हैं पहले पहले सीढ़ी यह चढ़ो कि मैं यह देह नहीं हूं, मिट्टी का पुतला नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार हूं। वो स्टार आसमान में होते हैं, वो जड़ सितारे हैं, और तुम नंबरवार धरती के चैतन्य सितारे हो। गायन है 9 लाख सितारों का, 9 लखा हार का, ये 9 लाख सितारे वही आत्मा रूपी सितारे हैं जो कयामत के समय में सारी सृष्टि में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। बाकी 500 करोड़ की, 700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है उनके सामने सब अज्ञानी है। उन 500-700 करोड़ों भगवान बाप को उतना नजदीक से नहीं पहचाना, देह अभिमान में रह करके अहंकार देह का आने से भगवान बाप को नहीं पहचान सके। और जो निरहंकारी बनकर के भगवान बाप को पहचानते हैं वो नजदीक होने के कारण ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। उनको पहली शक्ति मिलती है याद की शक्ति, मैं जो हूं, जैसा हूं और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, उस रूप को कोई विरले ही समझते, सब नहीं समझ सकते। जो समझते हैं, जानते हैं,
पहचानते हैं वो गहरी याद भी करते हैं। भगवान बाप तो सब आत्माओं से जास्ती सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। वो जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म राज समझाता है, और वो ज्ञान सबकी समझ में आ सकता है। गरीब हो, रईस हो, शरीर से स्वस्थ हो, बीमार धीमार हो, लूला लंगड़ा अंधा कोड़ी हो, सब कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है। कोई जाति का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं। कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान के ज्ञान को सहज ही समझ सकती है। भगवान के लिए तो गाय नहीं है मुश्किल को सहज करने वाला, तो उसका ज्ञान मुश्किल कैसे हो सकता है। अगर कोई प्रयास करे तो जरूर समझ सकता है, प्रयास ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा तो समझने की बात ही नहीं। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में, उस गीता के ज्ञान को सहज ज्ञान और सहज राजयोग कहा जाता है। भगवान की याद तो बहुत सहज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुखों का सागर है। जो सुखदाता कहा जाता है उसकी तो याद आनी चाहिए। रावण दुखदाता है उसको कोई याद नहीं करता, राम को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कौन है ये पहचानते नहीं है। पहचान करके याद करेंगे तो प्राप्ति जास्ती होगी, बिना पहचाने याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं हो सकती, अप्राप्ति भी हो सकती है, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी हो सकता है, क्योंकि अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। जिसने जो सुनाया उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते, वो तो स्पष्ट बताते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो पांच तत्वों का पुतला है, इसको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। गर्भ में चार पांच महीने ये पुतला तैयार होता है, गर्भपिंड निर्जीव होता है, कोई हरकत नहीं करता। जब चार पांच महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो पेट में चुर्रपुर होती है, मां को भी पता चलता है। तो आत्मा अलग चीज और देह अलग चीज। अब ये वंडरफुल कुदरत है कि गर्भ में जो आत्मा प्रवेश करती है उसका चोला चार पांच महीने पहले ही तैयार होने लगता है। चार पांच महीने पहले वो आत्मा कहीं दूसरी जगह जीवित थी, जीवन धारण किए हुए थी, शरीर सहित थी। चार पांच महीने पहले ही उसका चोला तैयार होने लगता है उसके कर्म संस्कारों के अनुसार।
जैसे जैसे उसके कर्म के संस्कार होते हैं वैसा वैसा उसका वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल वाइब्रेशन के आधार पर वो आत्मा का चोला पहले ही तैयार हो जाता है किसी माता के गर्भ में। टाइम पूरा होता है, मनुष्य शरीर छोड़ता है और अपने गर्भ में प्रवेश कर जाता है। चार पांच महीने और लगते हैं, 9 महीने के बाद जन्म होता है। वो इस स्थूल दुनिया की स्थूल बात है। भगवान बाप ही इस सृष्टि पर आते हैं तो बेहद का जन्म देते हैं। वो माता के पेट में होता है हद का जन्म, और भगवान बाप आते हैं तो आत्मा रूपी बच्चों को देते हैं बेहद का जन्म। हद का जन्म लेने वालों को भी 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, ये बेहद का जन्म लेने वालों को भी 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना पड़ता है। एक दिन आना और एक दिन जाना और बाकी 7 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना। जैसे गर्भ में से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती, गर्भ में ही उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है, कोई बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं। ऐसे ही भगवान बाप भी जब आते हैं तो अपने उन 9 लाख आत्मा रूपी सितारों को भट्टी में पकाते हैं। ये ज्ञान गर्भ की जैसे कि 9 महीना बराबर 9 दिन की ये भट्टी है, आत्मा पकती है और परिपक्व होकर के जब बाहर निकलती है तो बाप का बच्चा कही जाती है। लौकिक दुनिया में भी आत्मा प्रवेश करती है तो बाप का बच्चा कही जाती है, या 9 महीने के बाद जन्म लेती है तो बाप का बच्चा कही जाती है। जन्म लेती है, जब जन्म लेती है तो बाप का बच्चा कही जाती है। ऐसे यहाँ भी कोई कहे हम तो बहुत पहले से ज्ञान सुनते थे, ज्ञान सुनना अलग बात, ज्ञान को समझना भी अलग बात, लेकिन पक्का निश्चय धारण कर लेना कि यही हमारा बेहद का बाप है, आत्मा का बाप है। देह के बाप तो 84 जन्म धारण किए, ये हमारी आत्मा का बाप है। 84 जन्म में तो 84 बाप अलग अलग होते हैं, हर जन्म में अलग अलग बाप हो जाते हैं। यहाँ तो 84 के चक्र का एक ही बाप है आत्मा का, वो देह के बाप होते हैं, देह को जन्म देने वाले होते हैं, देवान बढ़ाने वाले बाप होते हैं, ये आत्मा अभिमानी बनाने वाला बाप है, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप है, रूह बनाने वाला बाप है। वो बाप को पहचानने के लिए ये 7 दिन मुकर्रर किए हुए हैं, इसे साप्ताहिक कोर्स कहो, 7 दिन की भट्टी कहो, 7 दिन का राजयोग शिविर कहो, जहां
मनुष्य आत्माए बाहर की दुनिया से कट हो जाती है, उनको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता, कोई को चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, फोन से बात भी नहीं कर सकते, एकदम अंदर ही अंदर पकना होता है उन आत्माओं में। कोई बहुत पक्की होकर के निकलती है, कोई बहुत कच्ची होकर के निकलती है, कोई मीडियम होकर के निकलती है। जैसे वो ईंटों का भट्ठा होता है तो ज्यादातर ईंटें पक्की परिपक्व होकर के अब्बल नंबर निकलती है, कुछ ईंटें दो नंबर निकलती है, कुछ ईंटें थर्ड क्लास निकलती है, कुछ ऐसी होती है जो जल जाती है, काली खंजड़ पड़ जाती है। यहां भी ऐसे है जो भट्टी करने के टाइम पर बहुत सहज सहज भट्टी पूरी कर लेती है खुशी खुशी। उनका जैसे 84 जन्मों का फाउंडेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है, जैसे कि 84 जन्मों में बहुत सुखी रहने वाली आत्माएं। कुछ ऐसी होती है कि 7 दिन पूरे ही नहीं कर पाती और भाग खड़ी होती है, उन्हें अगर जबरदस्ती रोका भी जाए तो रोकने से भी नहीं रुकती, जबरियन भट्टी में से बाहर निकल करके भाग जाती। दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई बच्चा गर्भ में ही मर पड़ता है, पेट काट के बाहर निकालना पड़ता है। यहां भी बुद्धि रूपी पेट है, जन्म देने वाले माता पिता भी होते हैं। कोई संदेश का बीज डालता है, ज्ञान का बीज डालता है, और कोई ज्ञान की परवरिश करता है, तैयार करता है कि वो आत्मा ज्ञान गर्भ रूपी भट्टी में जाकर के पके, बाप को पहचाने और निश्चय पत्र लिखने की योग्य बने। यज्ञ के आदि में तो खून से लिख करके देते थे कि हमने पक्का पक्का बाप को पहचान लिया, अब हम कभी हिलने वाले नहीं। अभी वो स्थूल खून से लिखने वाली बात नहीं है, यहां तो संकल्पों का खून है। अगर संकल्प में दृढ़ता आई है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कोर्ट के स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोर्ट एग्रीमेंट लिख करके भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। एग्रीमेंट लिख करके दे सकता है, तन मन धन सब तेरा, तू मेरा ईश्वर बाप है, मैं तेरा बच्चा हूं, जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। कोई निभाते हैं, कोई नहीं निभाते हैं। ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, सुनना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात नहीं है, दूसरों को सुनाना और समझाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना और अंत तक निभाना।
निभाने वालों को नंबर प्राप्त होते हैं। निभाने वाले माला के मणके बनते हैं। ये माला हर धर्म में घुमाई जाती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। ये माला रूपी संगठन की निशानी है। जो संगठन भगवान बाप ने आकर के बनाया था, वो गुरु लोग तो ऐसे ही टाइटल धराई लेते हैं। श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज वगैरह वगैरह, वो तो उनके झूठे टाइटल हैं। अपन को जगत गुरु कहलाते हैं। वास्तव में उनको भारत में भी सब कोई नहीं मानता। जगत की तो बात ही छोड़ो। अरे ये तो जगत गुरु भगवान का टाइटल है। भगवान ही सृष्टि पर जब आता है तो राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा सारी सृष्टि का जगत गुरु बनता है। सारी सृष्टि उसको सर झुकाती है आगे पीछे। ऐसी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। जब लास्ट में दुनिया का विनाश होगा तो गॉड फादर को न मानेगी। नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, उसके मुख से भी निकलेगा ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो। वो बेहद का फादर है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये महान धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन बेहद के बाप नहीं है। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 100-150 करोड़ से भी ऊपर है दुनिया में, वो भी बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप उसे कहा जाता है जिसकी कोई हद न हो। सारी मनुष्य सृष्टि उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, बाध्य हो जाए। वो धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी उस गॉड फादर को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान नहीं कहा है। क्राइस्ट भी कहता था मैं गॉड फादर का बच्चा हूं। गुरु नानक ने भी ऊपर को उंगली उठाई है, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त। माना वो भी अपन को सदगुरु नहीं कहते थे, उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया। सन्यासियों के आदि गुरु शंकराचार्य, वो नारा लगाते हैं शिवो अहम ब्रह्मास्मि। वो उनका झूठा नारा साबित हो जाता है। अरे शिव नाम तो कल्याणकारी का है, जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है वो है शिव। उससे कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं कि कोई का कल्याण हो जाए। बोलेगा सो कल्याणकारी। इसके सिख लोग कहते हैं जो बोले सो निहाल। कोई ऐसा वाक्य उसके मुख से निकल नहीं सकता जो कोई का कल्याण करे। जहां देखेगा कल्याण की दृष्टि से ही देखेगा। कोई के प्रति उसकी अकल्याण की दृष्टि हो नहीं सकती।
जिन्हें भी स्पर्श करेगा उनके प्रति उनको कोई विकारी भावना नहीं हो सकती, विकृत भावना हो ही नहीं सकती, वो निराकारी है। निराकारी सो निर्विकारी और निरहंकारी होता है। जो देह अभिमानी होते हैं वो विकारी होते हैं, देहंकार वाले होते हैं। भगवान बाप सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, उसका हर कर्म निर्विकारी है, हर कर्मेंद्रिय निर्विकारी है। सन्यासियों ने अपने ऊपर टाइटल रखा ही लिया, शिवो हम, खुद का भी कल्याण नहीं कर सके और अपने फॉलोअर्स का भी कल्याण नहीं कर सकते। सारी सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है। भगवान बाप तो आकर के इस सृष्टि को ऊंचा उठाते, नंबरवार आत्माओं को ज्ञान दे करके पहले उनकी बुद्धि को सुधारते। बुद्धि में ज्ञान बैठता है, ज्ञान से सदगति होती है। वो भगवान तो ज्योति बिंदु है, उसको तो अपना हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, निराकारी देश से आने वाला है, निराकारी देश को वापस जाता है, कोई धन संपत्ति लेकर के तो आता नहीं है और कोई की धन संपत्ति लेकर के वापस भी नहीं जाता है। वो क्या करके देता है, उसके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी दूसरों के पास नहीं है, कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं है, मनुष्य मात्र के पास नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो आकर के देता है जिससे सारी सृष्टि का कल्याण होता है। क्या देता है? ज्ञान देता है। सीधी शांति नहीं देता, सीधा सुख नहीं देता, वो ज्ञान देता है। ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी, सच्चाई की जानकारी। वो गॉड फादर, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, सत्य को ही ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। इस सृष्टि पर आकर के सच्चाई बताता है। सच्चाई का ज्ञान किसी को नहीं है, सत्य बाप की पहचान किसी को नहीं है, वो सच्चाई का ज्ञान देता है। जिन्होंने उस सच्चाई को धारण किया वो सत्य बाप के नजदीकी कही जाती है। पहले पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो, कौन? राम और कृष्ण। फिर उनकी सहयोगिनी शक्तियां, राम की सहयोगी शक्ति सीता, कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा, ये चार आत्माओं का स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाता है, यही विशेष चार आत्माएं हैं। कि भगवान बाप जब आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में जो सबसे पहले सफलता प्राप्त करती है वो ये चार आत्माएं।
जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए एक मनुष्य कहा जाता है विष्णु। चार भुजाएं दिखाई जाती है। भुजा माने भगवान के कार्य में 100% मददगार। इतना मददगार दुनिया की और कोई आत्मा ही नहीं बन सकती। भुजा माने हेल्पर। ये जो भक्ति मार्ग में चित्र बनाए गए हैं, 2,500 साल पहले बनाए गए थे। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी आदि गुफाओं में ये भित्ति चित्र तैयार किए गए थे 2,500 साल पहले। उस समय सृष्टि का इतना पतन नहीं हुआ था, मनुष्य की बुद्धि का भी इतना पतन नहीं हुआ था, इसलिए चित्रों में चित्रकारों ने जो चित्रण किया वो भी सच्चाई थी। बाद में उन चित्रों को देख करके मनुष्यों ने शास्त्र बनाए। और शास्त्र भी पहले पहले बुद्धि में थे, शुरुआत में कागज में नहीं लिखे गए। बहुत वर्षों के बाद फिर कागज में लिखे गए, बोध पत्र जिसे कहा जाता था। पेड़ की छाल निकलती थी, उस पर लिखे जाते थे वो शास्त्रों का। बाद में फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, व्याख्या हुई। शुरुआत में वो व्याख्या भी सच्ची थी, बाद में जैसे जैसे मनुष्य देह अभिमानी बनता गया, अपन को और दूसरों को देह के रूप में देखता गया, क्यों क्यों मनुष्यों की बुद्धि मिट्टी बनती गई। देह अभिमानी बुद्धि शास्त्रों की व्याख्या को विकृत करने लगी। अनेकों ने अनेक प्रकार की शास्त्रों की व्याख्याएं कर दी। एक ही गीता, उसकी 108 से ज्यादा टीकाएं निकली हुई पड़ी है। टैगोर गीता कुछ अलग कहती है, माध्वाचार्य की गीता कुछ अलग बात कहती है, शंकराचार्य की गीता कुछ अलग बात कहती है। सात टीकाएं एक दूसरे से टकराने वाली है। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, उसी के अलग अलग रूप हैं। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, सब अविनाशी हैं, परमात्मा अलग है। देखो कितना भेद पैदा होता जाता है, जितना जितना द्वैतवाद बढ़ता जाता है उतना उतना दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। अनेक बातें तो झूठी ही झूठी होंगी। भगवान बाप आकर के एक बात बताते, एक सच्चाई। वो सच्चाई क्या है? मूल रूप में कहो तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा एक बाप इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, सब धोखेबाज हैं, वो भी ज्योति बिंदु। इतना सार में अगर ज्ञान धारण कर लिया तो ज्यादा विस्तार में भी जाने की दरकार नहीं। कितनी सहज बात है। सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु करते हैं।
और मुश्किल को सहज भगवान बाप बनाता है। ओम शांति।